ओम शांति। कर्म तो मनुष्य प्रतिपल कर रहा है, परंतु जो मनुष्य अनासक्त भाव से कर्म करता है, जो मनुष्य डिटैच होकर कर्म करता है, जो मनुष्य आत्मिक स्वरूप में और आत्मिक भाव में स्थित रहकर कर्म करता है, वो सचमुच एक अलौकिक प्रश्न है, मनुष्य है। और उसमें भी जो मनुष्य योग युक्त होकर कर्म करे, उसमें तो ये सारी क्वालिटी स्वतः ही आ जाती हैं। योग युक्त होकर कर्म करना एक कला है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, तू अपनी बुद्धि को मेरे स्वरूप पर स्थिर रखते हुए कर्म कर, यही वास्तव में कर्म योग है। बाबा ने इसको हमें बहुत सहज बना कर दिया है, भिन्न भिन्न अभ्यास करने सिखा दिए हैं, ताकि कर्म योग हमारे लिए बहुत सहज हो जाए। संसार में कई लोग कर्म योग इसको समझते हैं कि हम कर्म करते, अच्छे कर्म करें, बड़े कर्म करें, दुनिया में भी कहते हैं ये व्यक्ति कर्म योगी है। लेकिन जब तक योग युक्त नहीं है, तब तक कोई भी मनुष्य कर्म योगी नहीं हो सकता। यदि हम कर्म योगी नहीं हैं, तो हर कर्म का गहरा और बुरा और निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। हर कर्म हमें बांधेगा और हम कर्मातीत अवस्था की ओर नहीं जा सकेंगे। लेकिन यदि हम योग युक्त होकर कर्म करते हैं, तो हर कर्म हमें एनर्जी देता है, हर कर्म बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है, हर कर्म हमारे लिए जैसे संसार में प्रेरणा देने वाला हो जाता है। और जब हम योग युक्त होकर कर्म करते हैं, अर्थात हम ये महसूस करते हैं कि बाबा हमारे साथ है, तो उसकी शक्तियां हमसे जुड़ जाती हैं। डबल फोर्स कार्य करता है। डबल फोर्स क्या कहें, हमारी शक्ति और बाबा की शक्ति दोनों कंबाइंड हो जाती हैं और बहुत जल्दी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सहज भाव से कर्म करना सीखें। कर्म योगी वही बन सकते हैं जो कर्म कॉन्शियस ना हो, जो टाइम कॉन्शियस ना हो। टाइम पे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन टाइम कॉन्शियस हो जाना, बार बार घड़ी देखना, दूसरों को भी फटकारते रहना, टाइम पे करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये कर्म कॉन्शियसनेस टेंशन पैदा करती है। ये टाइम कॉन्शियसनेस है, ये टेंशन पैदा करती है। और कर्म कॉन्शियस होने से मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। यद्यपि कर्म में पूरी तरह से तल्लीनता होना भी परम आवश्यक है, लेकिन इतनी तल्लीनता नहीं कि हम बाबा को ही भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। तो आइए सहज भाव से कर्म करने की प्रैक्टिस करें। हम अपने कर्मों को एंजॉय करें, कर्म ऐसे करें मानो डांस कर रहे हो, आनंद लें कर्मों का। ऐसी मेंटलिटी हम बनाते चले अपनी कि हमें अपने कर्म बहुत आनंद पूर्वक, बहुत प्रसन्नता पूर्वक करने हैं। तो कर्म में क्या क्या हम अभ्यास करें। मैं आत्मा इस देह में बैठ कर इससे कर्म करा रही हूँ, मैं कराने वाली हूँ। दूसरा, बाबा की शक्तियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बाबा मेरे साथ है। इसको जरा बार बार याद करते रहें। स्टूडेंट्स भी यदि आप हैं तो बार बार याद करते रहें, बाबा मेरे साथ है। किसी कर्म में स्वमान के अच्छे अच्छे अभ्यास करें, मैं पूर्वज हूँ, मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं जहान का नूर हूँ, मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ। स्वमान चुन ले, जो जो आपको अच्छा लगे उनको याद करते रहें। अगला अभ्यास हम करेंगे कि बुद्धि हमारी बाबा के स्वरूप पर स्थिर है और यहाँ हम कर्म कर रहे हैं। ये सब नहीं कर पाएंगे। जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है वो ये अभ्यास करें, और कभी अभ्यास करें बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, तो कभी अभ्यास करें मैं फरिश्ता कार्य कर रहा हूँ। इस तरह हम कर्म योग की प्रैक्टिस करें और कर्मातीत अवस्था की ओर चलें। तो आइए आज सारा दिन
हम ये स्वमान अभ्यास करें, मैं जहान का नूर हूँ, मैं इस जहान की शोभा हूँ, मेरा इस संसार में उपस्थित होना ही बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में अभ्यास करें, बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं, शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है, ओम शांति।